हाय एवरीवन, आपका क्वेश्चन है कार्यपालिका की शक्तियों में वृद्धि के चार कारण बताइए दीजिए। तो कार्यपालिका की शक्ति में वृद्धि के प्रमुख कारण निम्नलिखित है। पहला, साधारण योग्यता के व्यक्तियों का चुनाव व्यवस्थापिका के सदस्य प्रत्यक्ष निर्वाचन के आधार पर चुने जाते हैं और अधिक योग्यता वाले व्यक्ति चुनाव के पचड़े में पड़ना नहीं चाहते। ठीक है, अतः बहुत कम योग्यता वाले व्यक्ति और पेशेवर राजनीतिक व्यवस्थापिका में चुनकर आ जाते हैं। ये कम योग्य व्यक्ति अपने कार्य व्य आचरण की व्यवस्थापिका की गरिमा को कम करते हैं। दूसरा दूसरा पॉइंट ये रहा, यहाँ से लेकर के यहाँ तक दूसरा पॉइंट ये हो गया। आप वीडियो को पॉज करके आराम से पढ़ लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये रहा तीसरा, तीसरा ये रहा यहाँ से लेकर के यहाँ तक तीसरा हो गया ये आपका, और ये चौथा यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, वीडियो का ड्यूरेशन लॉन्ग ना हो जाए, ज़्यादा लॉन्ग ना हो जाए वीडियो, इसलिए मैं आपको बता दे रहा हूँ। ठीक है, आप खुद से पढ़ लीजिएगा। चौथा हो गया, ठीक, तीसरा हो गया, दूसरा हो गया, पहला तो मैंने पढ़ ही दिया। सो थैंक यू।